जब अर्जुन ने बनाई स्वर्ग से धरती तक की सीढ़ी। महाभारत की लड़ाई का एक बहुत बड़ा कारण पांडवों और कौरवों के बीच की आपसी प्रतिद्वंदिता थी, जिसके कारण ईर्ष्या और द्वेष भाव ने अपनी जगह बनाई। ऐसा नहीं है कि ईर्ष्या सिर्फ पांडव और कौरव भाइयों तक सीमित थी, बल्कि इसके बीच इनके माँ बाप ने बोए थे। कुंती और गांधारी भी अक्सर एक दूसरे को हराने की होड़ में लगी रहती थी और इसके लिए देवताओं का सहारा लेने से भी नहीं चूकती थी। तो क्या हुआ जब अर्जुन ने कौरवों से आगे निकलने के लिए और अपनी माँ को खुश करने के लिए बनाई स्वर्ग से धरती तक की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ? आइए विस्तार से जानें। गांधारी और कुंती अपने बच्चों के साथ कई बार खुद भी प्रतिस्पर्धा में शामिल हो जाती थी। वैसे तो वो अपने बच्चों को समझाती थी कि वे सब एक दूसरे के प्रति अपने शब्दों पर नियंत्रण रखे, पर पीछे पीछे कहीं ना कहीं वो दोनों भी प्रतिस्पर्धा का शिकार थी। यहाँ तक कि कुंती की संतान होने पर गांधारी ने लोहे की छड़ी से मारकर अपना गर्भपात किया था। हस्तिनापुर का नाम हस्तिन अर्थात हाथी से निकला है, जिसे पता चलता है कि हाथियों की इस क्षेत्र में कितनी उपयोगिता थी। राज्य में हाथियों से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम मनाया जाता था, जिसमें हाथियों के खिलौने बनाकर उन्हें पूजा जाता था और बेटों के बड़े उम्र की कामना होती थी। कुंती ने अपने बच्चों के लिए हाथियों की मूर्तियां बनाने का निश्चय किया और कुम्हारों से कहकर मिट्टी के हाथी बनाए। गांधारी को ये जब पता चला तो उसने कुंती को नीचा दिखाने के लिए सोने के हाथी बनवाए, ताकि कुंती को महल में उनके ओहदे का एहसास कराया जा सके। अर्जुन ने जब अपनी माँ को इतना दुखी देखा तो उसने अपने पिता इंद्र का आह्वान किया और उनसे कहा कि वो उनके लिए अपने हाथी ऐरावत को धरती पर लेकर आए, ताकि उनकी माँ का वैभव बढ़ सके। इंद्र इसके लिए तैयार हो गए, पर सवाल ये था कि स्वर्ग में विचरने वाले ऐरावत के लिए धरती पर आने का रास्ता कहाँ से बने। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो अर्जुन ने आसमान की तरफ तीर छोड़े। एक के बाद एक तीर छोड़कर उन्होंने एक रास्ता तैयार किया। हस्तिनापुर के लोगों को इकट्ठा किया गया और उनके सामने ऐरावत स्वर्ग से धरती पर आ गए। आज भी हाथियों की पूजा और उसके साथ जुड़ी कुंती और गांधार की प्रतिस्पर्धा की कहानी कर्नाटक के हाथी महोत्सव में प्रचलित है।